मिथुन राशि वालों, 13 सितंबर शुक्रवार का दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, सौभाग्य योग है। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र के प्रभाव से दिन आरंभ हो रहा है और शुक्र केतु के साथ आपकी कुंडली के सुख स्थान पर आज गोचर कर रहा है। काफी लाभ और धन की प्राप्ति आपके लिए सफलता कामयाबी का सुंदर अवसर प्रदान कर रहा है, जो आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, आपकी स्थिति को मजबूती देगा। महत्वाकांक्षा आपकी जागृत होगी। आज आप स्वतंत्र व्यक्तित्व के ईमानदार और मेहनती होंगे। अपने जीवन में सुख आनंद आप कमाएंगे। काफी लाभ और धन का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है और आपकी कुंडली पर ऐसा योग बन रहा है जो आपकी किस्मत को बदल कर रख देगा। बुध सूर्य इस समय आपकी कुंडली के पराक्रम स्थान पर गोचर कर रहा है और बुध की दृष्टि भाग्य भाव पर है, जहां शनि का गोचर हो रहा है। भाग्य में जब शनि का गोचर होता है तब आपके अंदर नई चीज सीखने की ललक पैदा हो जाती है। काफी सोच समझकर अपनी क्षमता से आप काम करके भाग्यशाली बनते हैं, धन भी कमाते हैं, सुख भी पाते हैं और परिवार की स्थिति आपकी बेहतर होती है। आज आपकी कुंडली के कर्म स्थान पर राहु और द्वादश भाव पर बृहस्पति का गोचर है। द्वादश में जब बृहस्पति का गोचर होता है और बृहस्पति की पंचम दृष्टि जब आपकी कुंडली के सुख भाव पर पड़ता है तो सुख स्थान जागृत हो जाता है। अच्छा लाभ मिलने की संभावना दिखाई देने लगती है और जीवन में उमंग उत्साह भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पराक्रम स्थान पर सूर्य बुध का बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। स्थिति पूरी तरह से आपकी जीवन में बदलेगी। काफी प्रभावशाली दिन होगा, जो सफलता भी देगा, कामयाबी भी देगा। भाग्यशाली सभी बाधाओं को दूर करके जीवन में आनंद की प्राप्ति भी आप करेंगे। अनुकूल स्थिति है, आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा और संबंध आपके मधुर होंगे। वैवाहिक जीवन सुखी होगा। काफी लाभकारी समय है, क्योंकि आज रात 9:35 के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य का प्रभाव आपको प्रभावित करेगा। साथ ही साथ सौभाग्य योग है, तो सौभाग्य योग में ऐसा होता है कि भाग्य आपके साथ देते हैं। कड़ी मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सफलता उसी को मिलता है जिसके भाग्य अच्छे होते हैं। उन्हीं के जीवन में सुख मिलता है जिनकी कुंडली में ग्रहों की दशा अच्छी होती है। अच्छे अवसर का लाभ उठाकर अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाकर जीवन की परेशानियों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन लाभ और सुख आपके जीवन में बढ़ेगा। हर प्रकार की समस्या को आप आसानी से सुलझा लेंगे। सफलता कामयाबी सुख धन और भाग्य आपके जागृत होंगे। आप में उत्साह होगा, जुनून होगा। आपकी कार्य की गतिविधि तेज होगी। कार्य के प्रति आप क्रियाशील होंगे और जीवन में बड़े बदलाव और अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करके जीवन में बड़ी तरक्की करेंगे। आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, आपके जीवन में सुख भी बढ़ेगा। सफलता कामयाबी और उम्मीद से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति भी होगी। सौभाग्य योग में भाग्य आपके चमकते हैं। आपके जीवन में सुख बढ़ता है, संपत्ति बढ़ती है, उन्नति और लाभ और कार्य की गति भी तेज होती है। उत्साह से अपनी अद्भुत शक्ति से जीवन में बेहतर परिणाम की आप प्राप्ति भी करते हैं, प्रतिष्ठा भी पाते हैं, सुख भी कमाते हैं और भाग्यशाली भी होते हैं। बड़ा प्रभावशाली आज का दिन, आपके जीवन में धन का आगमन भी होगा, स्त्री से सुख भी मिलेगा, चतुराई से काम करके जीवन में ऐश्वर्य भी प्राप्त करेंगे। काफी अत्यंत सुखद फल प्रदान करने वाला आज का दिन आपको बहुत ही भाग्यशाली बना रहा है। पूरब दिशा की तरफ आपके भाग्य चमक उठेंगे। आपके लिए लकी कलर रेड होगा, लकी नंबर 1 होगा।
राहु काल 10:44 से 12:17 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें और दोपहर 2:40 के बाद आपकी किस्मत तेज गति से बदलेगी और शाम 6:10 के अंदर आपकी जीवन में बेहतर परिणाम की प्राप्ति भी होगा। आप सिर्फ मेहनत करते जाएं, बाकी सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ दें। भाग्य बुलंद है, इरादे हौसला आपका बुलंद है, आपके जीवन में जरूर बड़ी सफलता कामयाबी खुशखबरी की प्राप्ति होगी। तो मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का मिथुन राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शोभे, सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, सौभाग्य योग पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र जो आपकी स्थिति को बेहतर बनाता है, आपके जीवन में सुख देता है, भाग्यशाली आपको बनाता है। शुक्र का केतु के साथ गोचर करना और बृहस्पति की पंचम दृष्टि से केतु का प्रभावित हो जाना आपके उमंग उत्साह को बढ़ाने का काम करेगा, सफलता कामयाबी की प्राप्ति भी होगी। किस्मत तेज गति से बदलेगा, दिन सफलता भरा होगा, सौभाग्य और सुख की प्राप्ति भी होगी। साथ ही साथ आज का दिन आपके लिए सफलता और उन्नति का योग बना रहा है, काफ़ी लाभकारी दिन है। एक ओर शुक्र केतु के साथ गोचर कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज बुध शनि के साथ समसप्तक योग बना रहा है, शुक्र राहु के साथ समसप्तक योग बना रहा है। मंगल की स्थिति आपकी कुंडली के सुख भाव पर बहुत ही प्रभावशाली है और पराक्रम स्थान पर बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य भाव को प्रभावित करेगा, यानी अनेक प्रकार के अवसर और लाभ सुख और सौभाग्य आपको प्राप्त होने वाला है। वैवाहिक जीवन बेहतर होगा, कामयाबी सफलता लाभ और धन से परिपूर्ण आज का दिन सौभाग्य को जगाता है, आपके जीवन में धन कमाने का साधन प्राप्त करता है। कुछ बड़े बदलाव भी होते हैं, नए विश्वास के साथ नई उम्मीद को पूरा करने के लिए जो मेहनत करते हैं वो मेहनत आपके सफल होंगे, तरक्की का रास्ता खुलेगा, एक नई पहचान।